ओम शांति। उन्नीस सौ पांच में लिखी गई एक लघु कहानी है जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ मेजाय, ओ हेनरी के द्वारा लिखित। क्रिसमस नजदीक आ रहा है, एक दाम्पत्य है, परिस्थिति गरीब है, घर की इतने पैसे नहीं है, परंतु दोनों की ये तीव्र इच्छा है और दोनों का आपस में बहुत प्रेम है। दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को कोई उपहार दे, परंतु क्या दे, पैसे नहीं है। वो जो पति है उसके पास एक अच्छी घड़ी है और वो पत्नी देखती है, उस जमाने में घड़ी यहाँ नहीं, यहाँ पहनी जाती थी चेन से, कि वैसी चेन उसके पास नहीं है, तो मैं क्या करूँ कि उसके लिए चेन खरीद दूँ। एक पति देखता है कि मेरी जो पत्नी है उसके बाल बहुत लंबे हैं घुटनों तक, पर उसके पास कोई अच्छी कंघी नहीं है, तो क्यों ना मैं बहुत अच्छी कंघियों का एक सेट उसके लिए खरीदूं। दोनों मन ही मन प्लानिंग करते हैं, क्रिसमस बस एक दिन के बाद है, ताकि क्रिसमस में एक दो को वो गिफ्ट दे सके। तो वो जो पत्नी होती है डेला, वो एक दुकान में जाती है, हेयर ड्रेसर, और कहती है यदि मैं अपने बाल काट कर दूं तो उसके कितने दाम होंगे। वो कहता है आपके बाल तो बहुत ही अच्छे हैं, $20। वो कहती है हाँ, इसमें तो मुझे वो चेन मैं खरीद सकती हूँ अपने पति के लिए जिम। और जो पति है जिम, वो सोचता है मैं इसके लिए कंघी का सेट खरीदना है, तो ये घड़ी वैसे भी मेरे क्या काम की, क्यों ना मैं इस घड़ी को ही बेच दूँ। और वो घड़ी को बेचता है और उसके लिए कंघियों का एक अच्छा सा सेट खरीद कर लाता है। क्रिसमस का दिन वो दोनों एक दूसरे को अपनी गिफ्ट दिखाते हैं। वो घड़ी के लिए चेन लेके आती है, पर घड़ी अब है ही नहीं। वो उसके लिए कंघी का एक सेट लाता है, परंतु अभी बाल ही नहीं है। वो दोनों बैठते हैं, दोनों की आंखों में आंसू, भले वो वस्तुएं जो उन्होंने लाई है उनका भी उनके लिए कोई उपयोग नहीं, परंतु जो प्रेम है, जो प्रेम की गहराई थी एक दूसरे के लिए, वो और बढ़ गई। तो महत्व वस्तु का नहीं, महत्व किसका है, उसके पीछे जो छिपा हुआ स्नेह है उसका है। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। आज भी मुरली में बाबा ने एकता की बात कही है, संगठन में एकता, और यदि किसी से टकराव ना हो उसके लिए क्या किया जाए, उसकी भी बातें कही है। पर पहले हम चालू करते हैं शुरुआत से। क्या कहा बाबा ने आज, कौन देख रहा है किसको? ग्रेट 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 ग्रैंडफादर और गॉडफादर किसको देख रहे हैं? इस परिवार को देख रहे हैं। कौन सा ओकेजन है, कौन सा समय है? ये मुरली कब चली है? 31 दिसंबर, नया वर्ष।
तो न्यू ईयर की मुरली है या दिवाली की मुरली है? बाबा ने बीच में दीपक जगा दिए। हर एक आत्मा श्रेष्ठ है, हर एक सिखिलता, हर एक अति प्यारी, भगवान की ये दृष्टि है। बीच में परिवार की बात कही है, एक परिवार, ऐसा श्रेष्ठ परिवार जिसमें एक एक आत्मा श्रेष्ठ है, एक एक आत्मा महान है, एक एक आत्मा सिकिलती है। भगवान ने उस एक एक आत्मा को चुना है। यदि हमें इस परिवार में रहते कॉन्फ्लिक्ट, टकराव नहीं चाहिए, तो सबसे पहले काम अपनी भावनाओं पर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं आत्माओं के प्रति भावनाएं कम हो जाती है। भगवान की भावनाएं कभी भी कम नहीं होती, चाहे कोई कैसा भी है। तो सबसे पहली बात जो बाबा ने कही, एक संकल्प, एक स्थिति और एक परिवार। एक संकल्प, ये बहुत अच्छा अभ्यास है, प्रैक्टिस है। दिन में समय निकालकर बीच बीच में एक संकल्प में हम कितना समय तक टिके रह सकते हैं, इसका अभ्यास करना है। बैठ जाना एकाग्र, एक कोई भी संकल्प, और उसी संकल्प के इर्द गिर्द मन डोलता रहे, घूमता रहे, चिंतन करता रहे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। वो संकल्प समान हो सकता है, वो संकल्प हमारे जीवन की कोई परेशानी हो सकती है, वो संकल्प हमारे जीवन का कोई एक ऐसा संस्कार, कोई ऐसी एडिक्शन, कोई एक ऐसी आदत जो सब कुछ करने के बाद भी नहीं निकल रही है, कुछ भी हो सकता है। उस पर मन फोकस हो जाए, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, उसको बीच में रखना और देखना, तो गहराई में वो स्पष्ट होने लगेगी, दिखने लगेगी कहाँ क्या गड़बड़ चल रही है। एक बात जो अतीत में हुई है और अब तक उसका चिंतन चालू ही है, चालू ही है, चालू ही है, वो पास्ट हो गई पर फिर भी चालू है। दादी जानकी का एक स्लोगन बहुत पावरफुल है, कौन सा? रात गई बात गई, पर ऐसा है हमारा, रात गई उसके साथ बात भी चली जाए, हम अभी तक कंधों पर ढो रहे हैं उसको, किसने गलत व्यवहार किया है, बात गई रात गई, अभी तक याद रखा है, बोझ है। तो एक संकल्प का अभ्यास, वन संकल्प प्रैक्टिस, इस मुरली से यह पहला होमवर्क, एक संकल्प में स्थित हो जाना। केवल उसको रिपीट नहीं करते रहना, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, यह तो समान हो गया, कुछ भी लिया जा सकता है, कुछ भी। मैं दुखी क्यों हूं, यह संकल्प है, स्थित हो जाओ इसमें, कारण दिखाई देने लगेंगे। जैसे मन एकाग्र होने लगता है, चेतना को चीरते जाता है और अंतर मन की सच्चाई दिखाई देने लगती है। और कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है देखते समय, केवल देखना है, क्योंकि ये गहरा ऑपरेशन है, बहुत मन का ऑपरेशन, बहुत शांति, बहुत मौन, बहुत स्थिरता इसमें चाहिए। ऑपरेशन जब होता है तो बाहर क्या होता है, एक लाइट होता है रेड, अंदर कोई जा नहीं सकता, अंदर वाला बाहर वालों से कांटेक्ट कर सकता है क्या? पेशेंट का ऑपरेशन चालू है, मुझे अपने इससे मिलना है, उससे मिलना है, बाद में, अभी नहीं। और ये तो मन का ऑपरेशन है, चीरा लगाते ही क्या निकलेगा पता नहीं, किस जन्म की मवाद, कितने साल पुराना पस पीप भरा है, ईर्ष्या का, घृणा का, काम विकार का, जो हम सोच रहे थे ऊपर ऊपर तो नष्ट हो गया, वो तो उसकी रेशा है,
अंदर थी, वो तो चीरा लगाने के बाद ही निकलता है, मन की चीरफाड़। बहुत डीप ऑपरेशन है माइंड का, एक संकल्प में स्थित हो जाना। बाबा ने कहा ये तीन चीजें ही मनाना है न्यू ईयर, एक संकल्प में स्थित हो जाना। एक संकल्प मधुबन क्या है, चिंतन चालू, मधुबन क्या है, मधुबन क्यों है, मधुबन कहाँ है, संकल्प और स्थिरता। एक संकल्प इस समय मेरे जीवन में क्या चल रहा है, जो बाहर दिखाई दे रहा है वो नहीं, जो लोग देख रहे हैं वो नहीं, मन की गहराइयों में क्या चल रहा है, चेतना के भीतर क्या चल रहा है, कौन से सूक्ष्म भय, कौन से घृणा, कौन से भाव, कौन सी संवेदनाएं, व्हाट सेंसेशंस, व्हाट इमोशंस, कौन से डीप इमोशंस है, क्या चल रहा है। दूसरों को बहुत देख लिया, जब से जन्म हुआ बाहर ही देखते आ रहे, दूसरों को ही देखते आ रहे, अब अंदर अंदर देखना है, इस शरीर के अंदर क्या चल रहा है, इस मन में क्या चल रहा है। तो एक संकल्प, दूसरा एक परिवार। बाबा ने कहा यही वो परिवार है, श्रेष्ठ परिवार। एक एक आत्मा कैसी है यहां, ताचधारी, तख्तधारी, एक एक आत्मा श्रेष्ठ, सिकिलती, भगवान की चुनी हुई। तीसरा है एक ग्रस्तिति। एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया है बाबा ने, एक टक, एक टिक, एक टिक जलती रहे ये ज्योति, वहां पर बुझी हुई ज्योति जगाते हैं, यहां सब जगे हुए हैं। जागती ज्योत, मैं अखंड जागती ज्योत हूं, शक्तिशाली संकल्प है। इस संसार की कोई आंधी, कोई तूफान ये ज्योत बुझा नहीं सकता। और मेरी छोटी सी ज्योत की, ने सुना ना, कोई दूर का भूला भटका हुआ मुसाफिर, उसको भी गिरते गिरते संभल जाएगा वो, मैं जगा तो सब जगेंगे। ज्योति को बुझने नहीं देना, ज्योति जागरण की ज्योति है, हर समय तटस्थ, प्रतिपल तटस्थ, प्रतिक्षण जागृत। अपनी डायरी के सबसे फ्रंट में इस वाक्य को लिख के रखो, प्रतिक्षण तटस्थ, प्रतिक्षण जागृत। एक भी क्षण मूर्छा मूर्छा का ना हो, मूर्छा में गए तो गलती हुई, जो निरंतर जागा हुआ है उससे गलती की संभावना कम है। जो निरंतर जागा हुआ है, होश में है, बेहोशी नहीं, मूर्छा नहीं, मूर्छा आते ही, ज्ञान भूलते ही, अभी कोई कहने वाला नहीं है, वरदान में है ना, अभी कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, पर पश्चाताप होगा। ब्राह्मण बनने के बाद, ज्ञानी बनने के बाद, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा धारण करने के बाद हुई हुई भूले, और फिर उसका जो पश्चाताप है, खून के आंसू निकालेगा। ज्योति कैसी जलती रहे, एक रस, एक रस स्थिति, यही मनाना है नया वर्ष। तो पहला काम एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास, छोटे छोटे संकल्प लेना, स्थित होना, स्थिर कर देना, केवल स्वमान ही नहीं, कुछ भी ज्ञान का, कोई भी संकल्प, कैसा भी संकल्प, उसमें स्थित हो जाना और गहराई में प्रवेश करना, उस संकल्प के गहराई में, मन की गहराइयों में प्रवेश करना है। हमने बाहर बहुत देख लिया, अभी अंदर को देखना है। प्रतिक्षण कौन सी विचारधाराएं, कौन से विचार उमड़ते हैं, विलीन हो जाते हैं, आते हैं जाते हैं,
साक्षी होकर, तटस्थ होकर, समता के भाव से सब चीजों को देखते रहना। एक संकल्प, एक परिवार। इस परिवार में देखते हुए बाबा ने कहा है, टीचर से मुलाकात, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए? सबसे पहला चार बातें हैं जिससे हमारा किसी के साथ भी टकराव ना हो। बाबा ने टीचर्स के लिए कहा दो बातें, एक यूनिटी और दूसरा संतुष्टता। पहला, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे ऊपर है किनारा करना है या टकराना है, तुम्हारे ऊपर है। माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है। ताली बजानी है, वो तो बजाने को तैयार है, पर ये मेरे हाथ में है, मैं बजाऊं कि नहीं बजाऊं। अगर तुम ना बजाओ तो नहीं बजेगी। दो चाहिए, उधर आग तो इधर भी आग होगी तो ही भड़केगी। दूसरा, समाने की शक्ति। अगर समाने की शक्ति होगी तो उसके संस्कार भी क्या हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे। ये दूसरा काम। तीसरा, स्नेह की भावना और श्रेष्ठता की भावना उस आत्मा के प्रति, चाहे कैसी भी हो, कैसे भी उसके संस्कार, क्योंकि उस समय उसका वो संस्कार प्रकट हुआ है, थोड़ी देर के बाद वो मर्ज हो जाएगा, दूसरा ही मर्ज होगा। अभी वो भूल में है, अभी वो अज्ञान में है, अभी वो परवश है, थोड़े समय के लिए परवश है। और चौथा, रिस्पेक्ट। उसको रिस्पेक्ट दो, प्रेम लो, रिस्पेक्ट लो, स्नेह लो, रिस्पेक्ट दो। ये चार चीजें आज बताइए जिससे हमारा किसी के साथ कोई टकराव ना हो। श्रेष्ठ भावनाएं, प्रेम की भावना, समा लेना अंदर, और मुझे डिसाइड करना है, किसी ने गलती की है, मैं उसकी गलती बताऊं, उजागर करूं तो उसको खुशी होगी, फैलाऊं खुशी होगी उसको ना। और रिस्पेक्ट, फारस का राजा था खुशरो, और वहां एक उसका सेनापति था रुस्तम। रुस्तम बहुत शक्तिशाली था, बलशाली था, प्रजा में बहुत कीर्ति थी, पर अचानक रुस्तम के मन में आया कि क्यों ना मैं ही राजा बन जाऊं। योजनाएं बनाने लगा, कैसे तख्ता पलट कर दूं। और खुशरो को इसकी भनक मिल गई, गुप्त मंत्रणा की, मंत्रियों की बैठक, और सब ने इसकी पुष्टि की, और सब ने कहा उसे तुरंत पकड़ा जाए और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, हटा दिया जाए। खुशरो ने रात भर चिंतन किया, क्या किया जाए इसके साथ, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, खुद राजा बनने की सोच रहा है। दूसरे दिन खुशरो उस रुस्तम को बुलाते हैं, और जैसे ही वो आते हैं, आता है, उसका इतना स्वागत किया जाता है, इतना स्वागत किया जाता है, मालाएं पहनी जाती है, और खुशरो से कहते हैं, आज से केवल तुम सेनापति नहीं, तुम मेरे मित्र हो। उसका दिल पिघल जाता है, वो इतना खुशी खुशी से लौट कर जाता है। सारे मंत्री कहते हैं, ये आपने क्या कर दिया, ये शत्रु बनने वाला है। वो कहता है, वो शत्रु नहीं है अब, क्योंकि मैंने उसे बंदी बना लिया, वो मेरा गुलाम है। वो कौन सी बेड़िया थी जिसमें उसने उसका उसको गुलाम बना दिया, प्रेम की बेड़िया में उसको बांध दिया है, अब कुछ नहीं कर सकता। दिलों को प्रेम की बेड़ियों में बांधना है, पर उसके लिए हमारे अंदर घृणा नहीं हो। माता है, फोन करती है, हमारा पति बहुत शराब पीते है, ये पीता है, उसको ज्ञान में कैसे लाए? उसके ज्ञान में आने के लिए सबसे बड़ी बाधा कौन है, तुम, क्योंकि उसके प्रति सूक्ष्म घृणा का भाव है, उसके प्रति घृणा है। उसको ज्ञान में भी लाना चाहते पर नफरत है उसके लिए अंदर से, अंदर से तो पहले ही कंफर्म है ये कुछ नहीं होने हो सकता इसका, ये बच्चे जो है ना कुछ नहीं होगा इनको, लेके आ रहे हैं मधुबन, पर अंदर से कंफर्म है, पक्का है,
ये ज्ञान में चलने वाले, इनके लक्षण ही ऐसे। और भगवान देखो कब से, अथा धैर्य, वो धैर्य का सागर है, उसकी महिमा में एक शब्द और जोड़ दो, धैर्य। आते हैं उसका हाथ छोड़कर जाते हैं, फिर आते हैं, कुमार बनकर आते हैं, फिर अधर कुमार बनकर आते हैं, फिर भी सबको स्वीकार करते जाते हैं। तो न्यू ईयर को कैसे मनाना है, ये तीन बातें हुई। अब न्यू ईयर कैसे मनाना है, बाबा ने कहा तीन शब्दों का पर प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट ऑन थ्री वर्ड्स, अतीत, वर्तमान और भविष्य। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? अतीत पर, जो हो गया बहुत अच्छा हुआ, हाँ ये तो है, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, फुल स्टॉप, रात गई बात गई, अब उसका पुनरुक्त नहीं करते रहना है, बताते नहीं रहना है दूसरों को, फोन कर करके लिख लिख के, ये हुआ ऐसा हुआ, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, पर इसके आगे की बात आज कही दी है, बीती सो बीती की, पर किस विधि से की, पास विद ऑनर होकर या दुखी मर मर के जी रहे, जी जी के मर रहे, क्या कर रहे। हमें अपनी जीवन कहानी याद अगर आए तो दिल से क्या निकले, वाह वाह। और हमारे जीवन से कोई पाठ पढ़े, कितनी अच्छी बात है, हमारे जीवन से कोई पाठ पढ़े तो फिर क्या हो जाएंगे, हमारे सारे कर्म द्वापर से चरित्र कीर्तन बन जाएंगे, भक्त कीर्तन करेंगे, नवधा भक्ति है ना, कौन सी है वो नव भक्ति है, नव प्रकार की भक्ति, सेकंड नंबर की भक्ति कीर्तन है, पहली भक्ति है श्रवण, सुनना। बाबा ने कहा वो नवधा भक्ति करते हैं, तुम नवधा ज्ञान धारण करो, तुम्हारा है नवधा योग। वो श्रवण करते हैं, कौन सी बातें श्रवण करते हैं, भक्ति की बातें, हमें क्या श्रवण करना है, तव कथामृतम, उसकी जो कथा है, उसकी जो वाणी है, उसकी जो अव्यक्त आवाज है, उस अव्यक्त आवाज का श्रवण करना है, केवल मुरली क्लास में बैठते हुए नहीं, योग की अवस्था में उसकी आवाज आ जाए, हमें सुनाई दे वो हमसे क्या कह रहा है, द डिवाइन कॉल, वो हमसे कह रहा है क्लैप्स माय हैंड एंड कम, मेरा हाथ पकड़ो और आ जाओ। एक पिताजी है, एक बच्चे को यहां लिया और एक बच्चे को यहां दिया, दो बेटे हैं और जा रहे, इधर वाले बेटे ने देखा आम का झाड़ मुझे चाहिए और मुझे नीचे उतारो, नीचे उतार के भागने लगा, ठोकर लगी और गिरा और रोने लगा, दूसरा है वो यहीं बैठा है, वो गया और कंधे पर है, आम तोड़ा और खाया समर्पण, वेट, वो सोच रहा है उसकी अपनी कुछ प्लानिंग है तुम्हारे लिए, तुम ही सारी मत करते रहो, उसने भी कुछ तो सोच के रखा होगा ना, उसे पता है मैं हूं कि नहीं पता, वो तो कहता है मैं एक एक को देखता हूं, जो यहां नहीं है उनको तो ज्यादा देखता हूं, जो यहां है ही नहीं, बाबा की दृष्टि पूरी सृष्टि पर घूमती है, अभी भी मुरली थी ना, उसकी दृष्टि में पूरी ब्राह्मणों की सृष्टि समाई हुई है, उसकी दृष्टि में उसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो पता नहीं है, वो हमारे इस जन्म को तो क्या, हमारे जन्म जन्म की हुई भक्ति को जानता है, हमारे समर्पण को जानता है, हमारी प्यूरिटी का उसे पूर्ण ज्ञान है। इसके लिए ये नहीं समझना कि उसे पता ही नहीं, शायद वो मुझे भूला हुआ है, उसे पता ही नहीं इस डिपार्टमेंट में मैं इतने दिनों से हूं, मधुबन में इतने दिनों से मैं अभी सेवा में हूं, आगे मेरा क्या, कुछ सोचा है कि नहीं तुमने। उसकी सोच हमसे 10 कदम आगे है, पास्ट ऐसा हो
उसका कीर्तन हो। तो हम बता रहे थे सबसे पहली भक्ति है सुनना, यहां पर भी सुनना है भगवान की वाणी, सुनना भगवान की आवाज, सुनना महावाक्य, सुनना। ये कान जो है पवित्र हो जाए, बहुत मैल है इसमें, जिनके श्रवण समुद्र समाना। भगवान की वाणी सुनने के लिए जिनके कान बहुत बड़े, कहां पर भी कुछ सुनने को मिला पकड़ लेते हैं। अपने कानों को बड़ा करना है उसकी वाणी। दूसरे प्रकार की भक्ति है कीर्तन। कीर्तन करना, गुणगान करना, स्तवन करना, प्रेज, अंग्रेजी में कहते यूलोजी, यूलोजाइज द फादर, सिंग द हिम्स ऑफ प्रेज। इधर क्या, उसके मन ही मन गुणगान करना, वाह बाबा वाह। कौन से गीत गाओ सुबह सुबह, बाबा बाबा। और बाबा भी क्या गीत गाएंगे, प्यारे बच्चे। और कौन से गीत गाओ, हाय वाय क्राई ट्राई, ट्राई ट्राई के गीत नहीं गाओ, कोशिश कोशिश के नहीं, करके दिखाओ। आय आय के गीत नहीं गाओ, माय माय के गीत नहीं गाओ, डाय डाय के गीत नहीं गाओ, ड्राई ड्राई के गीत नहीं गाओ, कौन से गीत गाओ फिर, वाय वाय के भी नहीं, वाय वाय की जगह वाह वाह, और आय आय की जगह वाह 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 वाह। ऑटोमेटिक गीत बजते रहते हैं दुख के, ऑटोमेटिक बजते रहते हैं, हमने कुछ किया नहीं, वो बजते रहते हैं अंदर से, बैकग्राउंड म्यूजिक ही दुख का है। ऊपर से बस मुरली के वाक्य बीच बीच में डाल रहे हैं हम, जो बीच में गीत के बीच में जो म्यूजिक है उसमें बस आ जाते हैं हमरे, हमारे थोपे हुए थोड़े बहुत, मैं महात्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, फिर गीत बजता है दुख का, फिर थोड़ा म्यूजिक बजता है दर्द वेदना, संसार में जैसा दुख है वैसा ही दुख इधर भी तो है, अचानक से निकलता है अंदर से। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। तीसरी भक्ति है स्मरणम, स्मरण करना। उधर अपने इष्ट को स्मरण करते हैं हम, यहां इष्ट के इष्ट को स्मरण करते हैं, जो देवों का देव है, जो महादेव है, उसका हम स्मरण करते हैं। चौथी प्रकार की भक्ति पाद सेवनम, उसके चरणों की सेवा, यहां उसके यज्ञ की सेवा, उसके जो बच्चे हैं उनकी सेवा, सेवाओं में जीवन दिया है। अगली भक्ति है अर्चनम, अगली भक्ति है वंदनम, वंदना करना उसकी, उसके चरणों की अर्चना करना। अगली भक्ति है दास्य, दास बनकर उसकी सेवा करना। अगली भक्ति है साख्य, सखा, उसको अपना मित्र बना देना। दास अर्थात हनुमान की जो भक्ति है उसको दास्य भक्ति कहा जाता है, सखा अर्थात कृष्ण की जो भक्ति है उसको सखा कहा जाता है, मधुरा भक्ति, उसको अपना पति मान लेना, ये मधुरा भक्ति है। भक्ति के भी प्रकार है। और नौवे प्रकार की भक्ति है आत्मनिवेदनम, संपूर्ण सरेंडर। ये नौ प्रकार की भक्ति है, इन्हीं का चिंतन ज्ञान में जोड़ा जा सकता है। ज्ञान नौ प्रकार का, ज्ञान में नौ प्रकार का, नवधा ज्ञान। तो ऐसे कर्म हो जो हमारे कर्म क्या हो जाए, कीर्तन, कीर्ति करे। भारत और चीन की बॉर्डर पर एक मंदिर है, बाबा हरभजन सिंह, सुना है, किस किसने सुना है, बहुतों ने सुना है। वो कोई संत महात्मा नहीं है, कौन थे वो, सैनिक, कपूरथला उधर पंजाब से इधर, साधारण से सैनिक, बट देश के लिए इतना जोश। 68 में मृत्यु हो गई लड़ते लड़ते, गिर पड़े खाई में, पर उनका जो मित्र था एक प्रीतम सिंह, उसके स्वप्न में आया और कहा मेरी बॉडी उधर है वहां से लाओ, वो लेके आया। और उसके बाद में वो गाइड करते रहते हैं, अभी तक भी करते हैं ऐसा माना जाता है। कौन सा है, नथुला, नथुला द्वार, वहां पे उसका मंदिर बनाया, फिर वहां उसकी फोटो है, उसका ड्रेस है, वो उस समय नाइट ड्यूटी करता था, तो यहां पर आज भी कहते हैं कि सुबह उसकी ड्रेस थोड़ी मैली हो जाती है, गश्त पर रहता है रात भर,
और यहां तक कि चीन के जो सैनिक है उनको भी वो दिखता है, घोड़े पर रात में पहरा दे रहा है। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी कहानियां हैं। उसकी छुट्टी रहती है, वो छुट्टी में उसके ड्रेस वगैरह घर भेजे जाते हैं अभी भी। दो सैनिक भी आते हैं, बहुत सारी कहानी है। चलो ये जो भी है, परंतु जो भावनाएं उसकी थी देश के लिए, कि इसी समय ना कोई वो महान संत था कुछ था, पर देशभक्ति अंदर थी। आज उसी का कीर्तन कर रहे, मंदिर बना दिया है उसका। कितने 52 ईयर्स हो गए आज, 68 में शरीर छोड़ा था उसने, अब तक भी कीर्तन चालू है उसका। और बहुत से सूक्ष्म संदेश वो देता रहता है कि आज ये होने वाला है, आज वो होने वाला है। तो पास्ट के लिए क्या कहा बाबा ने, हमारे कर्म केवल बीती सो बीती नहीं, श्रेष्ठ कर्म हो, पास विद ऑनर वाले कर्म हो, कीर्तन कीर्तन हो जाए वो कर्म। और हम अपने कर्म को देखें तो वाह वाह के गीत निकले और दूसरे उससे पाठ पढ़े। जरूरी नहीं है कि हम कुछ कहकर ही सिखाए, हम चल रहे हैं और कोई हमको देख ले। एक भाई बता रहा था, एक दूसरे भाई के प्रति उसके मन में बहुत हमेशा से घृणा और नफरत थी, उसका स्वभाव उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। पर ये जो भाई था, इसका अमृत वेला नहीं हो पाता था, कुछ भी करता था अमृत वेला नहीं हो पाता था। एक बार सुबह जल्दी उठ गया 3 बजे और देख रहा, जा रहा था सेंटर पर, पुरानी घटना है, उसने देखा वो भाई जिसके प्रति घटना है वो बराबर अंधेरे में जा रहा है और एकदम रेगुलर है उसका अमृत वेला, कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करता। उसी व्यक्ति के प्रति इसके मन में इतनी घृणा थी, पर उसकी ये बात उसने पकड़ ली, ये कैसा भी हो परंतु ये बात इसकी बहुत पक्की है। और बस उसने वो बात पकड़ ली और उसके मन में जो डीप रूटेड गहराई में उसके प्रति घृणा चिपकी हुई दबी हुई बंद थी, वो खुल गई और वो मुक्त हो गया उस घृणा से। देख लेना आत्माओं को। दूसरा, प्रेजेंट, क्या करना है प्रेजेंट का, दूसरों को कौन सी प्रेजेंट देंगे, स्नेह की। और 1 सेकंड की दृष्टि, स्नेह की, 1 सेकंड का सहयोग, 1 सेकंड का क्या श्रेष्ठ संकल्प, समय, मीठे बोल, सहयोग, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ भावना, कुछ भी इनमें से ये प्रेजेंट दो। बाबा ने उदाहरण दिया लौकिक का भी, जब गिफ्ट दिया जाता है तो बहुत खुशी होती है, चाहे वो कोई भी हो, अज्ञानी हो, तुम्हें भी गिफ्ट देनी है। किसको देनी है, इन ब्राह्मणों को, किसको देनी है, भक्तों को, किसको देनी है, जो संबंध संपर्क में आएंगे उन सभी को, जो जो मिलेगा, जो परेशान अशांत आत्मा है उसको भी गिफ्ट दी जाती है तो वो उसको भी खुशी होती है। तो गिफ्ट, खुशी होती है उसमें। तो हमें अलौकिक गिफ्ट्स भी देनी है, स्थूल गिफ्ट भी देने हैं, कुछ ऐसी गिफ्ट देना कि उसको वो काम आए। बेस्ट गिफ्ट जो है पेन ड्राइव, कोई सीडी जिसमें कुछ क्लासेस हो अच्छी पावरफुल, कुछ जीवन को परिवर्तन करने वाली बातें हो, ऐसी स्थूल भी दे सकते हैं जो आवश्यक हो। किसी को डायरी देना, उसको कहना इसमें अपनी पूरी दिनचर्या रोज की लिखो, कोई ऐसी सौगात जो उसे याद दिलाती रही मधुबन की, इस तरह की गिफ्ट देनी है। तो गिफ्ट क्या देखा जाता है, स्नेह। जैसे उस कहानी में ना पति की लाई हुई वस्तु पत्नी के काम की थी, ना पत्नी की लाई हुई वस्तु पति के काम की थी, पर इस घटना से क्या हो गया, आगे उनके बीच का जो प्रेम था कैसा हो गया, बहुत पक्का, प्रगाढ़, गहरा हो गया। तीसरा है फ्यूचर, फ्यूचर का क्या करेंगे, सपने फ्यूचर का क्या करेंगे, भविष्य का, फ्यूचर में क्या है, वो जो दुनिया लाने वाले हो कैसी, नयन कैसे होंगे, दृष्टि कैसी होगी, चलन कैसी होगी, संस्कार कैसे होंगे, वो यहां दिखाने हैं। क्या क्या करेंगे उसमें,
क्या करेंगे, कौन से संस्कार धारण करेंगे? यहां दो संस्कार बनाए बताए, एक ताज, ताज अर्थात हल्कापन, अध्यात्म की ये टेस्ट है कौन कितना आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति है, जितना उसके स्वभाव में हल्कापन है अर्थात धार्मिक है। यदि छोटी छोटी बातें उसे भारी करती है तो अभी धर्म को जाना नहीं है। छोटी छोटी चीजें जो दिनचर्या में हो रही है, इरिटेट होता है व्यक्ति, चिड़चिड़ा हो जाता है छोटी सी बात से, अर्थात अभी अध्यात्म को टच ही नहीं किया है, बहुत दूर है, टॉलरेंस नहीं है, दूसरों को सहन ही नहीं कर सकता किसी की कोई बात, चिढ़ता है तुरंत। सूक्ष्म चेकिंग की आवश्यकता है। हल्कापन। तख्त कौन सा? तख्त कौन सा? नशा और निश्चिंतपन का। निश्चिंत, हर बोल और हर कर्म में नशा है और निश्चिंत है, टेंशन, वरी, स्ट्रेस नहीं है। इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उसका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अच्छा ही होगा। उनकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा कौन है? तुम, हट जाओ, चल पड़ेंगे वो और पावरफुल हो जाएंगे, मैं चली जाऊंगी तो इनका क्या होगा। निश्चिंत बना, और जो हमें बहुत सारे ऋण है उन ऋणों को चुक्त करना होता है, माँ बाप का ऋण, इसका ऋण, उसका ऋण, समाज के लिए कुछ करो। परंतु भागवत में एक चीज लिखी हुई है, जो संपूर्ण कृष्ण परायण है वो संसार के सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है, उसे कोई चिंता नहीं। फिर माँ बाप का क्या करूँ, समाज का क्या करूँ, इसका क्या करूँ, उसका क्या करूँ, पितरों का क्या करूँ, वो सभी ऋणों से स्वतः मुक्त हो जाता है। जो एक भगवान की शरण में आ जाता है संपूर्ण रीति से, फिर उसे ये सोचने की आवश्यकता नहीं इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, इनका क्या होगा, मेरे बगैर वो कैसे चलेंगे। परंतु समर्पण समग्र और संपूर्ण होना चाहिए, नहीं तो इधर भी नहीं और उधर भी नहीं। अगर जितने भक्तों के जीवन में है, क्या दिखाया है, इतने लीन हो गए कि उनके लौकिक परिवार की चिंता भी फिर किसने की? उसी ने की। क्या करना है, सबको उसी ने टच किया। तो फ्यूचर में ये दो चीजें, ताज और तख्त, ये संस्कार हमारी यहाँ की दृष्टि वहां की सृष्टि बनाएगी, यहाँ की चलन, यहाँ की बोल, यहाँ की मुस्कान, सब कुछ। तो फ्यूचर के बारे में तो ये तीन बातें कही है बाबा ने, कहा इन तीन का प्रयोग करो, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर। तो लक्ष्य रखना है कुछ ना कुछ देते रहे, दातापन के संस्कार, देवता अर्थात देने वाले। आज क्या दू, पहले स्थूल वस्तु से भी चालू करना, अपने कमरे की एक पर एक नजर, अपने घर पर एक नजर, कौन सी चीजें ऐसी पड़ी हुई है जिसका हमने प्रयोग ही नहीं किया है, ढेर सारे जूते पड़े हुए है, हो सकता है किसी के काम आए, और जब वो ढेर सारों में से एक चोरी गुम हो जाता है तो कितना दुख होता है, खुद भी तो यूज नहीं किया, इतनी सारी साड़ियां, इतने सारे कपड़े, इतने सारे गहने, बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी शॉल रखी हुई है, हो सकता है किसी सेवाधारी के काम आ जाए, हो सकता है सेंटर पे काम आ जाए, दे दो। वैसे भी किसका क्या भरोसा, आज हम हैं कल सुबह, कैसा कौन कह सकता है मैं कल सुबह तक जिंदा रहूंगा रहूंगी, रातों रात निकल गए तो कुछ भरोसा ही नहीं है। आज सुबह ही हॉस्पिटल में घूमने आए थे जोधपुर से, अचानक चेस्ट पेन हुआ, हॉस्पिटल आए, ECG, हार्ट अटैक, अनसर्टन, कोई बीमारी नहीं पहले से, कोई दवाई चालू है, कोई दवाई नहीं चालू, पर असहनीय वेदना, सीवियर चेस्ट पेन, तो अचानक बीमारी, अचानक विनाश, अचानक मृत्यु,
फिर इसलिए क्या करना है, खाली करना है थोड़ा। चीजों में पकड़ के रखती है, और चीजों को, कमरे को खाली करके या चीजों को खाली कर कर मोह नहीं जाएगा। मन से देखना है पहले तो, जिस चीज से मुक्त होना है उसको मन में, मन से मुक्त कराना है उसको, कि ये वो चीज है, क्या इसको पकड़ के रखना है या छोड़ दूँ। तो ये तीन पर काम करेंगे, पास्ट पर, पास्ट को श्रेष्ठ बनाना, दूसरा प्रेजेंट, उसका एक और अर्थ है इस पल में जीना, ना तो अतीत में ना तो फ्यूचर में। जैसे एक महिला है रेगिस्तान में 3 दिन से चल रही है, कहीं कोई पानी की बूंद नहीं है, इतनी थकान मरने की हालत हो गई है, प्यास प्यास गला सूखा जा रहा है, दिखता है दूर पानी चमकता हुआ, कहीं मृग मरीचिका तो नहीं, इज दिस अ मिराज, मन में संशय उठता है, जाती है सामने, हाथ लगाती है, वास्तव में पानी है, और फिर वहां बैठ जाती है। ऐसे ऊंट पर एक व्यक्ति, एक राहगीर वहां से गुजरता है, पूछता है क्या हुआ, वो कहती है बहुत प्यास लगी है, वो कहता है पानी क्यों नहीं पीती, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा। वो कहती इतना सारा पानी है, मैं कैसे पीऊं सारा पानी, और मुझे आगे भी कितनी यात्रा करनी है, वो कैसे ले जाऊं यहां से, इतना पानी मैं कैसे पी सकती हूँ एक साथ। वो कहता है एक साथ पीना नहीं है, सिप बाय सिप, जस्ट वन सिप, इस पल में जियो, अभी क्या चाहिए, प्यास है अभी पानी पी लो बस, फिर ये नहीं सोचो इतना मैं कैसे पीऊँ, तुमको प्यास बुझाने के लिए इतना पीने की आवश्यकता नहीं है, वो वन सिप इज इनफ, और आगे मैं कैसे लेके जाऊं, यहां कुछ है भी नहीं, बकेट छोड़ो पियो और निकल पड़ो, आगे मिलेगा और उससे भी अच्छा मिलेगा। लिव इन दिस मोमेंट, इस पल में जीना, इस पल में सदी छिपी हुई है, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। अभी यहां क्लास में बैठे, बस क्लास में ही बैठना है, अभी ये इसके आगे की, यहां बैठे बैठे इधर क्लास सुन रहे और प्लानिंग कर रहे कल नाश्ते में क्या है, कल दोपहर में क्या बनाऊं, कल घर पर एक बार फोन नहीं किया 3 दिन से, आज कल तो करता हूं। कुछ प्लानिंग और चालू है, इस पल में नहीं है, इस पल में जीना, अर्थात सुन रहे तो केवल सुन रहे, बोल रहे तो केवल बोल रहे, खा रहे तो केवल खा रहे, चल रहे तो केवल, प्रतिक्षण सजग, प्रतिक्षण तटस्थ, जागृत, फिर भूले नहीं होगी, नहीं तो भूले होती रहती है। हम क्या बोलते रहते हैं दिन भर, कुछ के कुछ, वो सब बेहोशी के बोल है, सारे के सारे बोल बेहोशी के हैं, इसलिए ऐसे बोल निकलते हैं। तो ये तीन बातें, उसके बाद में वाह वाह के गीत, वाय वाय के नहीं, आय आय के नहीं, अमृत वेला गीत गाओ, बाबा भी गीत गाते हैं। इस मुरली में और एक बात अच्छी है, तुमने बाबा का प्यार से स्नेह से आह्वान किया है, तो उसने क्या कर दिया, एक चीज की उसने, कौन सी, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गया, किस दुनिया से किस दुनिया में आ गया, न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में, तुम्हारे आह्वान में इतनी शक्ति है कि ये हो सकता है, यदि अधिकार से आह्वान किया जाए आ जाओ तो वो आ जाएगा, दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, कितनी पावर से हम उसका आह्वान करते, महाभारत में दिखाया, रुक्मिणी पुकारती है कृष्ण को, अभी देखा भी नहीं, ना उसने उसको देखा ना उसने, पर पुकारा है, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, विनती सुनो रे नाथ हमारी, आ जाओ अपलक लोचन, पुकार रही है वो, उस पुकार को उसे सुनना ही है, एक छोटा सा
चिड़िया, चिड़िया नहीं, मैं क्या कहते हैं, चींटी ऊपर है डाली पर और वहां से गिरी, नीचे पानी है, अब डूबने वाली मरने वाली है। महाभारत में, भागवत में उदाहरण है, आर्त पुकार निकलती है, हे गोविंद, चींटी गिर रही है नीचे, अंदर से पुकार रही है, हे गोविंद कहाँ हो मदद। चींटी पानी तक आ गई है, बस अभी डूबने वाली है, हे गिरधर, हे गोविंद, आर्त पुकार है। और अचानक से एक पत्ता गिरता है और उस पत्ते पर वो गिर पड़ती। वैसे ही गज और ग्रहा मुरलियों में आता है ना, गज गजेंद्र, ग्रहा ने पकड़ लिया है, पुकार रहा है पत्नी को, बच्चों को, सब भाग गए। त्रिकूट पर्वत के पास वो सरोवर है और अंत में हे नारायण। तो बाबा को पुकारना है, कैसी पुकार हो वो, आर्तनाद, हृदय से, बस अब उसमें प्रेम भरा हो, इतना अधिकार भरा हो, जैसे अब कोई आधार रहा ही नहीं, जैसे वो द्रौपदी, कोई नहीं बचा उसकी मदद के लिए, बस तुम ही हो, बस तू ही है, तुम ही थे, तुम ही हो, और कोई था ही नहीं कभी। ऐसी आर्त पुकार, तो गिरते गिरते नीचे क्या आ जाएगी, एक पत्ती आ जाएगी, फिर उसमें सुरक्षित रहोगे। नमे भक्त्या प्रेष्यति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता, जो मेरे प्रति समर्पित है उसका विनाश नहीं हो सकता। तो ये एक योग का प्रयोग या अभ्यास कहो, कब करेंगे इसको, संकट में कि दिन भर, दिन भर में बीच बीच में उसका आह्वान करना है, आह्वान करना, आर्त पुकार, वो आ जाए, कहे क्या, कहना कुछ नहीं, ऐसे ही याद आ गई थी एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, पर आएगा कि आएगा वो उसको पुकारते रहना है बीच बीच में, प्रैक्टिस नहीं तो भूल जाएगी प्रैक्टिस उसको पुकारने की। भक्तों की तरह पुकारना नहीं, कुछ मांगना है, कुछ चाहिए, इसलिए नहीं। अगर वो पूछा क्यों अब बुलाया, कहना बस तुमको देखने की इच्छा हो गई थी, बस बाकी चाहिए कुछ नहीं, जस्ट देखना था तुम्हें, क्या निहारने को दिल चाहता है उसके लिए बुलाया था बस, पुकारना है उसको, आर्त पुकार, दिल से पुकार। और मुरलियों में भी आया ना, बाबा मेरा बाबा आ जाओ, वो बीच में मुरली चली थी, तो प्रैक्टिस होती रहे होती रहे। केवल दुख में ही पुकारना नहीं है, सुख में पुकारना है, जब बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा योग, सब कुछ अच्छा हो गया आज दिन भर, एकदम अचल अडोल स्थिति रही, ब्रह्मचर्य टॉप, दृष्टि वृत्ति संपूर्ण पवित्र, देह का भान नहीं, दिनचर्या एक्यूरेट, कहीं आलस्य नहीं, कोई अलबेलापन नहीं, योग युक्त स्थिति, किसी को दुख नहीं दिया, कोई दुख लिया भी नहीं, श्रीमत, सब कुछ इतना अच्छा हुआ, अब फिर बुलाओ उसको, आई एम ओके, ये कहने के लिए बुलाया था फोन लगाया, लग नहीं रहा था इसलिए बुला लिया, आ जाओ बाबा, आ जाओ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, आ जाओ, अपने धाम को छोड़ के आ जाओ। नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद, हे नारद, मैं कहाँ हूं, वैकुंठ में मैं नहीं हूं, योगिनां हृदयेन च, ना ही इस योगी के हृदय में बैठा हूं, मदभक्ता यत्र गायन्ति, जो मेरा प्रेमी है और जो मेरे गुणगान कर रहा है, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद सुन, मैं वहां विराजमान हूं, वो वहां है, वो अब भी है,
ऐसा नहीं बाबा का पार्ट पूरा हो गया और वो चला गया, कितने साल हो गए, 4 साल, वो अभी भी है, वो अभी भी कम्युनिकेट कर रहा है। वो हमारे हर कम्युनिकेशन में, हमारे हर योग की अवस्था में ही टेक्स पार्ट, वो सुन रहा है हम जो योग में उससे बात कर रहे हैं। जब हम उसके सामने बैठते हैं उसे पता है सारे दिन भर हम क्या कर रहे हैं, कमरे में क्या कर रहे हैं, कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं, ही नोज। ये मत समझना वो तो चला गया, अब देखने वाला कोई रहा ही नहीं, वो है, वो है, वो देख रहा है। जैसे एक व्यक्ति है, वो उसको एक व्यक्ति बनाना है, बीच बीच में फोन करते रहना उसको। नीचे शांतिवन में एक बच्चा था, थोड़ा सा मंदबुद्धि था, तो सूरज भाई साहब की एक उन्होंने क्लास सुनी वो बच्चे ने, कि बाबा को फोन करते रहो। तो उसके पास एक खिलौना है, उसकी माँ है, वो बच्चा जो है कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो बस दिन भर शिव बाबा, हाँ शिवा मैं ठीक हूँ, ऐसे बात करते रहता है, फिर रखता है, ओके ओके ठीक है फिर रख देता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर उठाता है, हाँ 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 ठीक है फिर रखता है। वो बात बाबा से बात करते रहता है दिन भर, तो वो बात पकड़ ली उसने। तो इतनी बातें आज की मुरली में थी। सबसे पहली बात बताई, एक संकल्प में स्थित होना, इसके प्रयोग करना। दूसरी बात परिवार, ये कौन सा परिवार है। तीसरी बात एक टक, एक टिक, एक रस स्थिति, ज्योति जगती रहे। चौथी बात पास्ट, फिर पास्ट अर्थात जो हो गया उसको एक तो पास्ट कर दो, हो गया उसका आप चिंतन नहीं, रात गई बात गई, और ऐसा बिताओ अभी का पास्ट कि यही पास्ट अभी फ्यूचर बनने वाला है, अभी ये प्रेजेंट ही पास्ट बनने वाला है, इस प्रेजेंट को ही काम करना है इसके ऊपर। फिर प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट देते रहना, बाबा ने कहा स्टॉक है, इतना स्टॉक है, शुभ भावना शुभ कामना, स्टॉक खत्म हो जाता है दिन में, कम है हमारे पास स्टॉक, स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। फिर फ्यूचर, फिर वाह वाह के गीत अंदर ही अंदर, तुम्हारे अंदर खुशी के क्या बजने चाहिए, ढोल नगाड़े बैंड बाजे बजाओ, और क्या बजाओ अंदर बजाते रहना जोर जोर से, जोर जोर से ढोल दिन भर अनहदनाद निरंतर खुशी खुशी खुशी। उसके बाद में कौन से गीत नहीं गाने हैं, वाय डाय हाय क्राय ट्राय ड्राय हाय ये सब गीत नहीं गाने, और कौन से गाने, वाह वाह बाबा बाबा, ये गीत गाने हैं। और उसके बाद में संघर्ष ना हो, उसके लिए समाने की शक्ति धारण करनी है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताली बजाना कि नहीं बजाना, किनारे होना कि उसी मार्ग से जाकर उससे टकराना, समाने की शक्ति और रिस्पेक्ट देना, उसको क्या देना, रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना। और लास्ट बात थी आह्वान, क्या करना है, बाबा आ जाओ, ऐसे कैसे, बाप का आह्वान करने वाले बच्चों को, ऐसे स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, सहयोगी बन दूसरों को सहयोगी बनाने वाले बच्चों को, दूसरों को सहयोगी बनने के बाद उनको योगी बनाने वाले बच्चों को, ऐसे संस्कार मिलन की रास करने वाले बच्चों को, ऐसे अमूल्य रत्न बच्चों को, ऐसे महान आत्माओं को, ऐसे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीन शब्दों पर प्रयोग करने वाले बच्चों को, ऐसे नई विधि से अविनाशी विधि से अविनाशी बनने वाले बच्चों को, वो लोग वैसी न्यू ईयर मनाते बाप अविनाशी विधि से तुमको अविनाशी बनाते, ऐसे बच्चों को, ऐसे ऐसे सिकिले दे बच्चों को, श्रेष्ठ बच्चों को, महान बच्चों को, ऐसे ताज तख्त और तिलक, आज तिलक को छोड़ दिया पर दो वरदान दे दिए, कौन से, टीचर्स को समान भव का वरदान, और मुरली में ही आया है सदा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान। जो भी काम करो एक हाथ देखो अदृश्य यहां रखा हुआ है, सफलता मूर्त भव, सब्जी बना रहे सफलता मूर्त भव अच्छी ही बनेगी, गड़बड़ नहीं होगी, कुछ भी कर रहे छोटा से छोटा कार्य, तिलक, बाबा को आह्वान करो आ जाओ, बाबा कहेगा क्या, कहना मैं रोटी बना रही थी जरा तिलक लगा दो
हल्दी का तिलक, हल्दी तो रहती है, आटा रहता है, आटे का तिलक जो रहा उसका तिलक। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रघुवीर खुद आएंगे तिलक देकर जाएंगे, ऐसे तिलक देने वाले, तिलक देने वाले नहीं धारण करने वाले बच्चों को, ऐसे बाबा को बार बार फोन करते रहना, बाबा का भी उधर का भी हालचाल परमधाम में सब सब ठीक ठाक तो है कि कोई गड़बड़ चल रही है, कोई आत्मा ज्यादा उठा पटक तो नहीं कर रही उधर परमधाम में? इधर ज्यादा भेज दो अगर दो तीन बची होगी तो, सब ठीक ठाक तो है? बाबा को उधर का भी पूछते रहे ना। बाबा मुरलियों में कहते ना, तुम मुझे नहीं बुलाते सत्युग में, उसकी कंप्लेंट रहती है हमेशा, तुम मुझे बुलाते नहीं हो। तो ऐसे ढेर सारे समान युक्त राज युक्त बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।